मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं, एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमारा मोबाइल फोन किसी ने पकड़ लिया और वो हमारी एप्लीकेशन को ओपन करने लग जाता है, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते कि जिस बंदे ने हमारा ये मोबाइल पकड़ा है ये हमारी फलां एप्लीकेशन को खोल के उसका डाटा चेक करें या ये इसको ये पता चले कि हम कौन कौन सी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ऐप लॉकर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐप लॉकर नहीं बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अपने मोबाइल फोन के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और जिसने आपका मोबाइल पकड़ा है उसको बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन वो मौजूद है जो आप उससे हाइड करना चाह रहे हैं या बिल्कुल सिरे से गायब हैं। उसको बिल्कुल यही शो होगा कि वो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फोन में मौजूद ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूं, और मजीद बताने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लिए चलता हूं। बाकी सारा प्रोसीजर आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो कि हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद आपने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल फोन की सेटिंग में जाने के बाद हमने यहां पर से अपने मोबाइल फोन में प्राइवेसी ऑप्शन ढूंढ लेना है, जो आप देख सकते हैं कि यहां पे है। तो मैं प्राइवेसी में जाता हूं। प्राइवेसी में जाने के बाद आप यहां पे ऑप्शन देख सकते हैं प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। यहां पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्राइवेसी में सिक्योरिटी में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। आपके मोबाइल फोन में ये कुछ और भी हो सकता है ऐप, लेकिन ऐप से रिलेटेड होगा, ऐप प्राइवेसी के रिलेटेड होगा ये ऑप्शन। तो यहां पे मैं इस ऑप्शन में चला जाता हूं। यहां पे अब जो आपका मोबाइल फोन होगा आपके फिंगरप्रिंट वेरीफाई करेगा या आपसे आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक मांगे। तो यहां पे मैं अपना वेरीफाई फिंगरप्रिंट कर लेता हूं। प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में सबसे नीचे आपको यहां पे हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहां बिना किसी एप्लीकेशन के यहां पे हाइड ऐप पे क्लिक करेंगे। यहां पे आप अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप हाइड करना चाहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आगे यहां पे कुछ दिखाता हूं। यहां पे आप ये रार एप्लीकेशन देख सकते हैं, कैश मॉल है, वीएन और टिकटॉक है, ये एप्लीकेशन है। यहां पे ये मैं आपके सामने अभी हाइड करने वाला हूं और आपको फिर बाद में आगे दिखाता हूं कि यहां पे ये एप्लीकेशन मौजूद नहीं होंगी। तो सिंपली मैं उसी सेटिंग में आ चुका हूं। सेटिंग में आने के बाद मैं हाइड ऐप में दोबारा आ चुका हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन थी, एक थी कैश मॉल थी, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। जो दूसरी एप्लीकेशन थी वो वीएन थी और एक रार थी। तो यहाँ पे मैं इन सब एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो जो मुझे मिली हैं, और ये वीएन एप्लीकेशन आ गई और ये वाली थी, और चौथी कौन सी थी, अब चौथी मुझे याद नहीं आ रही कि चौथी कौन सी थी। तो चलें ये तीन एप्लीकेशंस मैंने हाइड कर ली हैं। आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे सेलेक्ट कर ली हैं। तो ये एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुकी हैं हाइड के लिए। आप देख सकते हैं ये तीनों एप्लीकेशन टॉप पर आ चुकी हैं अभी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब कम्प्लीटली होम पर चला जाता हूँ तो चौथी टिकटॉक थी, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैंने तीन एप्लीकेशन सेलेक्ट की हैं, रार होगी, वीएन होगी और कैश मॉल होगी, अब वो मेरे मोबाइल फ़ोन में कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एप्लीकेशन मौजूद थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको दिखाया है। और इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। अगर आप इनको सिंपली अनहाइड करना चाहते हैं तो आप सिंपली दोबारा उसी सेटिंग में जाएंगे, बिल्कुल जैसे पहली सेटिंग में गए हैं, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन स्क्रीन कोड देना पड़ेगा या फिंगरप्रिंट, आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ऐप हाइड में जाएंगे तो यहाँ आप इनको अनहाइड करने के लिए इनको दोबारा अनसेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऐप हाइड का कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि व्हेन लॉक द स्क्रीन ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जूँ ही आपकी स्क्रीन लॉक होती जाए आपकी जो एप्लीकेशन है आपने जो हाइड की हुई है वो ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाए, हाइड हो जाए। तो आप इसको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद व्हेन एक्सटिंग टू स्टैंड बाय इंटरफेरेंस, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते हैं, आप इनको सिलेक्ट रहने दें, इनसे आपका मतलब नहीं है। आप इस तरीके से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन को अभी अनहाइड कर दिया और मैं होम पे जाता हूँ, मैं बैक आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सारी वापस आ चुकी हैं, जो तीनों की तीनों मैंने हाइड की थी, ये कैश मॉल थी, रार थी और वीएन एप्लीकेशन थी। अब जिन लोगों के मोबाइल फोन में ये सेटिंग काम नहीं कर रही है या सेटिंग सिरे से मौजूद नहीं है, उनके लिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा सबसे बेहतरीन ऐप लॉकर, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप उस ऐप लॉकर को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, अगले को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये ऐप लॉकर है या क्या चीज़ है, और ऐप लॉकर अगर है भी तो ये यूज़ कैसे होता है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और अगले बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन मौजूद है या बिल्कुल सिरे से गायब है, आपने इंस्टॉल ही नहीं कर रखी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करने और कमेंट करके बता देंगे आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा।